तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ समुद्री बाईपास के, जो हमारा बाईपास है वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव, तो आपको भी हमारे गांव लेके चलते हैं और सैर करवाते हैं, दिखाते हैं गांव की सड़कें कैसी हैं। तो गांव कैसा है हमारा, चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कि अपने गांव के पास, जो हमारे बहता है एक सुआ जिसे छोटी नहर भी कहते हैं। तो यहां से आगे फिर हमारा एक गांव की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। तो ये वो सुआ है, अभी तो हुकूमत पंजाब ने ये सुआ पक्का कर दिया है, लेकिन हम बचपन में यहां आते होते थे अपने अबू के साथ और यहां पर नहाया करते थे, तो हमारी बड़ी यादें इसके साथ। तो अभी बड़े साल हो चुके हैं तो हम यहाँ पर आए नहीं हैं, तो आज मेरा दिल कर रहा कि मैं इसके अंदर जाऊँ, देखूं कि ये कितना गहरा है। मुझे लगता नहीं है ये पानी कम है इसमें, तो फिर भी ट्राई मारते हैं। एक मिनट में मेरा ट्रोलर गंदा गीला हो जाएगा, अभी और उठा लो ऊपर। ये तो भाई ज्यादा ही नीचे है, तो ट्रोलर को गीला कर दिया जाए। ये जी इतना मेरे गुटरों का घर है अभी, तो क्या मजेदार काम है। तो इसके चाहूँ तो मैं ना आ भी सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी जाना अपने रिश्तेदारों के घर, तो मैंने अपना ट्राउजर जो है गीला कर लिया। तो आप देख सकते हैं मैं नज़ारे रह रहा हूँ, पानी के पानी ठीक ठाक है, ठंडा है। तो ये मजे हैं पिंड में रहने के, क्या आप जब कभी भी आप अगर गांव के पास भी रहते हैं तो आप फिर भी आपको फायदा है कि आप जब कभी भी आएं और यहाँ पे आके आप मनाजर उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं मौसम भी प्यारा है और ये जगह भी प्यारी है, कितनी प्यारी जगह है। तो आप मज़े लें यहाँ पे आके। तो ये पिकनिक के लिए भी एक अच्छा स्पॉट है कि आप कोई खाने वगैरह बना के लेके आएँ और यहाँ पर खाएँ और इन्जॉय करो। अभी हम जा रहे हैं गाँव की तरफ, तो मैं पहाड़ी पे गुटरों तक डूबा हुआ, तो चले चलते हैं गाँव। तो अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ, तो ये हमारे गांव को जा रही है कारपेट रोड, बड़ी अच्छी रोड है हमारे गांव को जो जाती है। तो इस तरह का हमारे गांव का जो रास्ता है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, क्या खूबसूरत रास्ता है। हम पहुंच चुके हैं चेक नंबर 188 गांव पे बड़ा वैसाना, तो यही हमारा गांव है। तो आप देख सकते हैं ये रोड दिखाई जाए, कितना खूबसूरत मंजर है हमारे गांव का, हवा चल रही है। मिनी ड्राइविंग सीट जो है वो हमने चेंज कर ली है, क्योंकि मुजम्मल भाई को कहा कि कैमरे के सामने नहीं आ रहा, तो उन्होंने अभी टोपी पहनी हुई है। तो अभी हम एंट्री करने लगे हैं गांव में। तो ये मेरे, ये हमारे खेत हैं, ये वाले, ये हमारी अपनी जमीन है ये सारी। तो ये अब गांव में हम एंटर हो चुके हैं तकरीबन, ये देख लें, ये सारी हमारी जमीन है, ये भी हमारी है और ये भी हमारा मुर्गी खाना है, मेरे चाचू चलाते हैं ये। अभी हम जा रहे हैं अपने खेतों की जानत,
जो हमारे खेतों को रास्ता जाता है वो भी आपको दिखा। ये देखे खेत है, वो सामने हमारे चाचू बनाया। तो हम जा रहे हैं अभी अपने चाचू के पास, मेरे चाचू खेतों में ही है काम कर रहे, तो अभी उनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? हाँ जी, कितना ठीक ठाक? आप ठीक ठाक? तुझे कर रहे तुझी कर रहे थे? आखिरी फसल बीजी है, पट्ठे बीजे, क्या कमाल लगा? सही है, अब पेरी लगी तो तुझे देखना है इसके। सही है, अज ट्रैक्टर चले जाते ते अपनी जमीन कितों शुरू होंगी भला? हाँ जी हाँ जी, सही है, हाँ जी सही हो गया। आ बट हो गई इधर से लेके वो सामने गांव तक। आप देख सकते हैं कितनी खामोशी है यहाँ पे, कितना पुरसकून माहौल है गांव का, हवा चल रही है, तो गर्मी का या तो अभी नामो निशान ही नहीं है शाम टाइम, तो बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पे। तो साथ ही हमारे नाला, वैसे तो ये गंदे पानी का नहीं है, ये साफ पानी का होता है, बीच में लोग गंदा पानी भी मिक्स कर देते हैं। मनाजिर देख सकते हैं, वो हो रहा है सनसेट, कितना प्यारा मनाजिर है सनसेट का, दिखा मैं दिखा देता हूँ। कितना खूबसूरत नजारा ये सनसेट का। अभी कुछ ही देर में ये सूरज जो है ये गायब हो जाएगा, आवाज चल रही है। ये है जी हमारे गांव का पार्क। तो हमारे गांव में दरअसल ये चार कॉर्नर लगते हैं हमारे गांव को, तो हर कॉर्नर पे होता था एक तालाब, तो ये उसमें से पहला तालाब है, तो इससे आगे दूसरा तालाब आएगा, और इसी तरह चारों कॉर्नर्स पर तालाब हैं, जिनमें से अभी जो एक तालाब है वो रह चुका है, बाकियों में वो पार्क्स वगैरह इस तरह बन चुके हैं। ये जी हमारे गांव का मंजर, ऐसे बच्चे जो हैं वो जानवर जो अपने नहला रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने। अभी हम आए हुए हैं गांव अपने, ये हमारी एक दुकान है, तो यहाँ पे क्या वगैरह बनता है भाई आप बताएंगे? इधर समोसे पकौड़े।
सब कुछ यहाँ पे बनता है। तो आप अपना नाम बता दें। ये हमारे भाई हैं, भाई शोएब हैं ये। तो इन्होंने हमारी मदद की है ये वीडियो बनाने में। तो भाई के लिए एक लाइक कर दे वीडियो बस। तो ये गांव का माहौल है, गांव में इस तरह दूध आता है। हाँ भाई जी, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? अभी हम जा रहे हैं बच्चों के साथ खेलने। ये हमारे साथ है रुखाब शहीर, राणा शहीर, आ जाओ आ जा। ये जी हमारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं गांव का ये देसी खेल है, तो वो खेल रहे हैं ये बच्चे। चलो रुका, आप खेलना नहीं है शेर इधर आ जा। क्या ये क्या कर रहे हो, फेंक दे गंदा। ऐसा है हमारे गांव का माहौल। उम्मीद है आपको ये गांव वाली हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो इन गांव के दोस्त हैं 138 के, तो उन्हें चाहिए कि वो खास तौर पे इस वीडियो को प्यार दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।